स्टोरी टू एक रिवेंज थ्रिलर है, हर थ्रिलर है, एरोटिक थ्रिलर नहीं है, लेकिन फिल्म में इंटिमेसी है, फिल्म में पैशन, एंगर है, वायलेंस है, हेट्रेड है, वेंजेंस है. बेसिकली केस स्टोरी वन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, प्रीक्वल नहीं है, सीक्वल नहीं है. जो एक कॉमन फैक्टर है वो ये है कि एक फ्रेंचाइज है जो आगे बढ़ाया जा रहा है, बिकॉज पहली बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म रह चुकी है और हम लोग आई थिंक बहुत ही लकी हैं. मैं बहुत लकी कि मुझे ऐसा बॉलीवुड डेब्यू के लिए ऐसा स्ट्रॉन्ग और पावरपैक्ड एकदम पावरफुल रोल मिला है, क्योंकि अक्सर ऐसा रोल जो है वो कुछ फिल्मों बाद जाके मिलता है, तभी लोग आप पर बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, आपका कुछ काम नहीं करते. प्रमोशन करते करते कि एट प्रेजेंट मुझे कम से कम जब तक 12-13 घंटे की नींद नहीं मिली है, ये चश्मे में था. सो रियली हैप्पी दैट कल हमारी फिल्म रिलीज हो रही है. और आप जो कह रहे थे इतना लेट क्यों प्रमोशन कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि जितना लेट हो उतना अच्छा है, क्योंकि लोगों के अंदर वो क्या कहते हैं एक्साइटमेंट बनी रहे. हेट स्टोरी टू, मेरे कैरेक्टर का नाम अक्षय है, इस फिल्म जो फोटोग्राफी सीख रहा है बेसिकली, और फोटोग्राफी क्लास में वो मिलता है सोनिका से. सोनिका जो सभी कहानी आगे बढ़ती है, क्या कारणवश हमें पहले दे चुके हैं बदला लेने के लिए प्रोस्टिट्यूट होना जरूरी नहीं है. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पॉली, पॉली ने बहुत बढ़िया काम किया है ओरिजिनल में, और आई थिंक उस फिल्म की सक्सेस की वजह से आज हेट स्टोरी 2 बनी है, नहीं तो फ्रेंचाइज आगे नहीं जाता. तो बिसाइड्स द पॉइंट, लेकिन इस फिल्म में मैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट जा रही हूँ. उस फिल्म में जो पॉली रिवेंज लेती है या जो उनकी जो उनका कैरेक्टर रिवेंज लेता है, वो अपनी बॉडी के थ्रू रिवेंज लेता है, विच इज वाई वो कहती है कि यू नो प्रोस्टिट्यूट बनकर ही मैं रिवेंज ले सकती हूँ. लेकिन इस फिल्म में वो एक फिजिकल रिलेशनशिप से बाहर निकल कर उस इंसान से रिवेंज लेती है जहां पर वो नहीं होना चाहती. तो इट्स प्योरली माइंड गेम. It's जो आपका पहला सवाल था उसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि स्टोरी 2 पहली वाली से ज्यादा हर चीज में कुछ कुछ ज्यादा है. अदर देन दैट आई थिंक परफॉर्मेंसेस जितने भी एक्टर्स हैं, टोन ऑफ रोमांस जिसे कहते हैं उस वक्त का वो गाना था ये. और हैट्स ऑफ टू टी सीरीज, वैसे भी दे डोंट गो, दे आर ऑलवेज बैंग ऑन विद देयर म्यूजिक चॉइसेस. दे आर नोन टू बी द किंग्स of business as far as music is concerned in the trade. वो उनकी choice, अरिजीत जिन्होंने गाना गाया है, समीरा जिनका first playback है, और मुझे उनकी आवाज़ खुद पर बहुत अच्छी लगती है.